नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं मैं आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, समाज में फैल रहे नशे और बुराइयों को रोकने के लिए और समाज में खत्म हो रहे भाईचारे को बचाने के लिए पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्द समाज के बीच में लौटना चाहिए। डेरा सच्चा सौदा के 6 करोड़ श्रद्धालुओं के अलावा समाज में साफ सुथरी सोच रखने वाले लोगों के साथ साथ अब देश का संत समाज भी यह मांग कर रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। आज स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वे डेरा सच्चा सौदा के बारे में और पूज्य गुरुजी के बारे में क्या राय रखते हैं और पूज्य गुरुजी का समाज में लौटना कितना जरूरी है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपका सच कहूं मैं बहुत बहुत स्वागत है। जी अनिल कक्कड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत हमारी मंगल कामना और धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। जी स्वामी जी, स्वामी जी सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने संगठन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है, मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का मेरा अध्यक्ष का दायित्व है और संत महासभा जो संस्था है और उसके माध्यम से राष्ट्र से रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, जीव रक्षा के कार्य किए जाते हैं और उसके माध्यम से शामिल हो रहा है और पूरे देश में, पूरे विश्व में अपनी संस्थाएं हैं, हर देशों में है और बहुत द्रुत गति से जहां भी ऐसे लगता है तो वहां पे अपनी हमारी संगठन के लोग और हम लोग आवाज उठाते हैं और उसके लिए न्याय की बात करते हैं और जो भी धर्म सम्मत कार्य होता है उस पे आगे बढ़ते हैं। जी स्वामी जी, स्वामी जी डेरा सच्चा सौदा की संस्था और उसके द्वारा किए जा रहे 134 मानवता भलाई के कार्य, उसके बारे में भी आप भली भांति परिचित हैं, उसके बारे में भी बताइए। संत गुरमीत राम रहीम जी के बारे में मैं जानता हूँ जितना कि जिस प्रकार से उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, शायद उस तरह नहीं है और वैसा नहीं है, काफी सेवा के कार्य किए हैं और अपने माध्यम से संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है और उन्होंने मैंने उतनी डीपली आप जितना जैसे वो कर रहे हैं तो मैं ज्यादा दिन से खैर नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने, अब मैं थोड़ा सा लिटरेचर भी मेरे पास आया, कुछ लोगों ने बताया जिस प्रकार से, इतना मुझे देख करके महसूस हुआ कि नहीं, वो एक संत है और जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल के माध्यम से तिल का ताड़ बनाने का जो प्रयास किया गया और जिस प्रकार से किया जाता है, कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। और क्योंकि जो पहले दिन की बात है, मुझे जब कोर्ट में उनका केस चल रहा था, जब फाइनल जब रिजल्ट आया, जब उनको सजा के लिए बात हुई, तो जिस तरीके से, जिस अंदाज में गए, अगर जो तरीके से कहा जा रहा था कि जी वो अपराध, अपराधियों का वहां जमावड़ा लगता है, इतने वो है सब अपराध में, जबकि बिल्कुल गलत, वहां पे जितने लोग थे बहुत इनोसेंट और बहुत धार्मिक टाइप के लोग थे जो गुरु की आज्ञा पालन करने वाले लोग थे और स्वयं संत राम रहीम जी बड़े अपनी तरीके से अटैची लेकर के जिस प्रकार से वो जा करके और अपने को समर्पण किया, तो एक जो अपने अच्छे जो संस्कारी होगा वही इस तरह के कार्य करता है और इसको साबित करता था। वो जो टीवी पे जो चित्र हमने देखे, जो वीडियोस देखे, कि वो साबित करता है, वो अपने आप में वो चित्र कहने के लिए बहुत कुछ कह गया कि जो कानून में विश्वास करता है वही इस तरह के कार्य कर सकता है। थोड़ी भी अपराध होगा तो वो बचने का प्रयास करेगा, भागने का प्रयास करेगा और जिस तरीके से मीडिया जो चाहती थी, जिस तरह से कहती थी, तो वो बिल्कुल गलत है। और उसके बाद जिस प्रकार से संस्था की एक जो कोई बहन थी उनके बारे में जिस प्रकार चीरहरण मीडिया, तो उसपे भी मैंने उस समय भी ट्वीट किया कि इस तरह से द्रौपदी का चीरहरण ठीक नहीं, आज भी दुशासन है समाज में इसका मतलब, तो कहीं ना कहीं मीडिया को ने काफी अनियंत्रता किया और कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश इनके बारे में हुई है और मुझे ऐसा अब पूरी तरह विश्वास है और इसीलिए मैंने जी बताइए। जी स्वामी जी, मेरा इसी से आपके जो आपने अभी जो जवाब दिया उसी से जुड़ता एक सवाल अगला है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि संत न छोड़े संत में ही, चाहे लाखों मिले असंत। आदिकाल से ये देखते आए हैं कि जो सच्चे रूहानी संत पीर फकीर होते हैं उनके साथ, उस जिस समय में वो होते हैं, वो समाज उनके साथ या समाज के कुछ लोग उनके साथ जो है अन्याय करते हैं और उनके उन पर जुल्म तक होते हैं, इंतहा हमने इतिहास में देखा है। उस समय ना सुनवाई होती थी, ना इस तरह की कोई अवधारणा थी कि अपील होती थी, कोई सीधा सजा का फरमान होता था। आज जो है, आज की बात करें, आज सुनवाई
और अपील की भी जो है हमारे लिए रास्ते हैं, लेकिन उन पर भी घोर पहरा है। आज मुझे गुरु जी जो जिनको जेल में कथित जो गुमनाम चिट्ठी है उसके आधार पर जेल में डाला गया है, आप क्या देखते हैं कि हालांकि संत तो संत में ही हमेशा रहे हैं और वही अवधारणा के साथ पूज्य गुरुजी भी हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, एक तो उसमें मैं अब पीछे मैं नहीं जाना चाहता किसी भी तरीके से, वो पत्र कौन भेजा वो बिल्कुल मैं अपनी अपनी विचार सिर्फ बताऊं तो बिल्कुल मुझे आज भी ये लगता है। आज कितने बच्चियां जो है जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, कितने लोग मांग कर रहे हैं जिसके साथ स्वयं अन्याय हुआ, स्वयं सामने आकर के बोलती हैं, उनको तो न्याय न्यायपालिका नहीं दे पाता। लेकिन गुमनाम चिट्ठी पे इस तरह के, और जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र से लेकर और अनेक कार्यों में क्षेत्रों में काम किया, उसको सीधे सजा सुना देना, ये बहुत बड़ी हमें लगता है कि 21वीं सदी का बहुत बड़ा ये अन्याय है। और हमारे दृष्टि में, मैं जो विचार हमारे संवैधानिक जी हमारी राय के विचार में व्यक्त कर रहा हूँ। दूसरी बात जी ये मैं कहना चाहता हूँ, पीछे बिल्कुल अब नहीं जाता। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई देखो, ऐसा है इस देश में अगर जो देखा जाए तो जिस प्रकार से राष्ट्र की सेवा करने का काम उन्होंने किया, कुछ हमने वीडियो भी उनके देखे, कुछ उनके जो भक्त अनुयायी जो आए थे जिन्होंने दिखाया, या उनके अनुयायी भी जैसे आए, मैंने उनके अनुयायी भी जो लोग हमारे सामने आए मैं देखे, बहुत ही संस्कारित है, किसी भी प्रकार की बहुत सादगी पूर्ण है। उन्होंने जो उनके महाराज जी ने करीबन सैकड़ों संस्थाएं बनाई है, सभी संस्थाएं मानव उत्थान के लिए है, जन कल्याण के लिए है। जिसने जो जैसे जो सेक्स वर्कर है उनको बेटी अपने आप बना लेना, बताओ, जहां पे लोग काम की निगाह से बेटियों को देखते हैं, वो राम की निगाह से देखने की प्रेरणा देना लोगों में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी सेवा है। इस कोरोना काल में भी अभी भी जिस प्रकार से डेरा सच्चा सौदा के लोगों ने सेवा किया है, हमारे पास जो वीडियो जो फोटो जो और जी भी जो जी जी पेपर जी बिल्कुल चला, वो वास्तव में अपने आप में, मैंने तो आपको बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से, आपके सच कहूँ के माध्यम से, चूंकि यहाँ पे सच कहूँ नाम ही है तो सच ही कहना है। मैंने जी बिल्कुल सरकार को भी इस निमित्त मैंने भेजा कि आप देखिए ये सरकार की इस संस्था के लोग कितना काम कर रहे हैं, और अगर जो संत राम रहीम जी बाहर आते हैं तो उनकी प्रेरणा से और भी काफी सेवा के उनके शिष्यों में और भी ऊर्जा का संचार होगा और द्रुत गति से सेवा का काम आगे बढ़ सकता है। तो अगर वो बाहर जी आते हैं, देख जेल में संत को कोई जेल में नहीं रख सकता, पहले मैं स्पष्ट बता दूं, और जी किसी जी की संत को जेल में जाने से बाहर आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव किसको पड़ता है? भक्तों पे पड़ता है, समाज पे पड़ता है, राष्ट्र समझ पे गए पड़ता है। तो अगर वो बाहर आते हैं तो समाज का इसमें लाभ होगा। इस कोरोना काल में तो ऐसे संतों की और आवश्यकता है। तो इसलिए जी मैंने जी जी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को हमने पत्र भेजा, और उस समय भी एक पत्र भेजा तो जेल मेन्यू में गया था, पीछे भी अगस्त में पत्र गया था स्वामी वहां। जी जी और स्वामी जी अभी जी 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 अभी हमारे पास जी पुनः एक गृह मंत्रालय से देश के प्रदेश के हरियाणा सरकार को, वहां के कारागार विभाग को, सबको ये देखिए पत्र गया है, ये मेरे पास भी आया है ओरिजिनल, मेरे जी पास जी एक जी जी ओरिजिनल ये है। जी तो इस तरह गया है कि उनपे उचित कार्रवाई करने के लिए तत्काल, जो हमने कोविड-19 के वो बना के दिया। एक तो दो बातें, कोविड-19 में जेल में रहना सुरक्षित भी नहीं है क्योंकि हो रहा वो जिस प्रकार से फैला, दूसरी वो बाहर आते हैं तो समाज की काफी सेवा कर सकते हैं और भक्तों में प्रेरणा दे सकते हैं, देश को प्रेरणा दे सकते हैं। तो ये जी स्वामी जी, मैं इसी इसी पे ही मेरा जो अगला सवाल है वो मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं इस चीज के। स्वामी जी, पिछले कई सालों से पूज्य गुरु जी ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हिमाचल के साथ साथ साउथ इंडिया के बहुत से राज्यों, पूर्वी जो हमारा भारत है उसके राज्यों में लाखों लाख लोगों के नशे छुड़वाए हैं। 7 करोड़ से ज्यादा जिन भक्तों ने पूज्य गुरु जी से गुरुमंत्र लिया है वो उन्होंने नशे छोड़े हैं, लेकिन जब से वो उनको जेल भेजा गया है तब से खासतौर पर ये उत्तर भारत में नशों का जो व्यापार है वो बढ़ गया है और जो खपत है वो भी कई गुना बढ़ चुकी है। समाज को बड़ा भयानक नुकसान हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? वृक्ष कबहु न फल बछय, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु भया शरीर। परमार्थ के जी लिए साधु होता है, और संत राम रहीम जी की जो जीवन है वो जितना अभी कुछ दिनों में मैंने देखा, वास्तव में बहुत ही सादगी प्रेम रहा है और लोगों को प्रेरणादायी रहा है। लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने नशा छुड़ाने का काम किया, और तमाम हर क्षेत्र पे उन्होंने काम किया, सवाल इस बात का कि एक ही धारा में नहीं चले कि सिर्फ आप माला जपते रहो, सिर्फ ध्यान करते रहो, उन्होंने धर्म का भी काम सिखाया, तुम जाप भी करो,
उन्होंने सिखाया कि जो समाज में उपेक्षित वर्ग के लोग हैं उनको भी गले लगाओ, जो जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको भी सबल बनाने के प्रयास किए, उठाने का काम किया, जो नशा करता उसको नशा छुड़वाने का काम किया, जो नशा बेचता है उसको भी कहा कि बेटा तू ये व्यवसाय न कर, कोई दूसरा कर। लेकिन उसके बाद जो नकारात्मक लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ड्रग माफिया, तो स्वाभाविक है कि पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। तो इसलिए देखो ये तो बड़ी साजिश होती है, और शुरू से इतिहास गवा रहे हैं, सदियों से भी जो भी संत समाज को उत्थान के लिए आते हैं तो उनपे उनको पुरस्कार इनाम यही मिलता है और कुछ नहीं मिलता, यही उनके अवार्ड है। तो इसलिए इतिहास गवा रहा है। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। आने वाले कल में यही समाज आप देखना, यही लोग गुणगान करेंगे जो आज बेवकूफी भरी बातें करते हैं, आज जो नकारात्मक सोच को रखते हैं, क्योंकि जब सामने आता है, जब किए गए कर्म को सामने आता है तो निश्चित रूप से वो। तो इसलिए संत राम रहीम जी एक समाज के, राष्ट्र के धरोहर है, हमारे एक समाज में एक ऐसे हों जिन्होंने स्वच्छता अभियान से लेके हर क्षेत्र में काम किया। तो हम सरकार से हमारा निवेदन सिर्फ यही है कि जो भी नकारात्मक शक्तियां है वो निश्चित रूप से उनको वो साजिश एक रच के जानबूझ करके हमारे ये पूज्य संत गुरमीत राम रहीम जी को जिस प्रकार से जेल में वो किया गया, तो उसपे अब तो चलो न्यायालय का जो हो गया वो तो न्यायालय की प्रक्रिया चलती रही निचले कोर्ट से, अब तो अभी और विकल्प है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, उसमें निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय हाई कोर्ट से न्याय तो मिलना ही है, मिलना आज नहीं तो कल। लेकिन तब तक बेल की जो हमारी राइट है, जो बेल हमें अधिकार है, या और भी जो अधिकार है सरकार द्वारा, उस लिए हम सरकार से हम वो कर रहे हैं कि हमारे पूज्य संतों को जेल से बाहर किया जाए ताकि वो देश और समाज की हित के लिए और कार्य उनके कर सके। जो नशा का जो बढ़ता प्रभाव है, नशा का बढ़ता प्रभाव रुके और देश की सेवा में अपना जो योगदान उनके भक्त है वो लगा सके। और इस कोरोना काल में भी बहुत देखिए जितनी धार्मिक संस्थाएं सबने तो किया, लेकिन उसमें डेरा सच्चा सौदा के हमारे जितने भाई बहन है उन्होंने बहुत काम किया। एक एक जिले में एक हमारे पास फोटो आया, उन्होंने एक दिन में सफाई करके, पूरी सफाई अभियान करके, यानी शासन प्रशासन के लोग उनसे सहयोग मांगते हैं, शासन प्रशासन के सहयोग मांगते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की चीजें जो है, तो जहाँ पे इस तरह वॉलेंटियर उन्होंने तैयार, किसने तैयार किया, उन्होंने ही तो तैयार किया ना, वो चाहते तो बोल देते काम नहीं करना, सिर्फ भजन करते रहो गंगा तट पे जाकर, तो गंगा तट पे उसको जैसे चलाएगा वैसे तीसरे चलेंगे। लेकिन उन्होंने सेवा का संकल्प कराया, सेवा का संस्कार दिया, तो जिसका लाभ किसको मिल रहा है, समाज। तो इसमें 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 दोनों का कल्याण है। तो इसलिए राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के जो कार्य संत गुरमीत राम रहीम जी महाराज ने जो किया है, वास्तव में उसकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है, उसकी उसी किसी चीज से वो नहीं की जा सकती है। तो इसलिए समाज में जो भी अब हम लोग है, हमारी संस्था है, चाहे और लोग, सबका दायित्व बनता है। और संत गुरमीत राम रहीम जी थोड़े कहेंगे कि जी हमारे लिए बात करो, जैसे भगवान राम सेतु जब बन रहा था गिलहरी ने भी अपना भूमिका निभाई थी, हर व्यक्ति अपनी। तो हमारा एक कर्तव्य है कि जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करता है उसके लिए हम भी आवाज उठाएं, जब जब इस समय देश को आवश्यकता है, तो हम नहीं उठाएंगे तो आखिर कौन उठाएगा। हर व्यक्ति हम सोचने लगे कि नहीं वो उठाए तो इस तरह कोई किसी के लिए बात ही नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने हर जब तक जब वो बाहर थे तो हमने उनका कई वीडियो देखा कि सब कोई भी बुरी चीज होती थी उसके खिलाफ तुरंत आवाज बुलंद करने का काम किया उन्होंने। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद किया, उन्होंने सबको एक मानवता को सर्वोपरि रखा। तो ये जो गुण है संत ही विशेष कर सकता है। तो बड़े निश्चल हृदय के वो संत है, अब बहुत उच्च कोटि के वो है। उन्होंने जो फिल्म भी बनाई, लोगों ने उसमें बड़ा निगेटिविटी वो किया। अब जिस फिल्मों में, और देखिए बॉलीवुड के फिल्म में अश्लीलता परोस रहे, सीरीज में अश्लीलता परोसे जा रहे हैं, और उसने उन्होंने एक फिल्म के माध्यम से, आप जरा देखो, युवाओं में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जागृत उन्होंने किया। उन्होंने सेवा के एक वो दिया कि बड़ों छोटों का कैसे संस्कार किया जाए। उन्होंने बच्चों में जाकर, यानी जो जिस भाषा को समझेगा हम उसी पे तो बताएंगे भाई। संत का काम असली यही होता है, संत मतलब कूप मंडूक नहीं होता, संत का मतलब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक होता है। और वैज्ञानिक मतलब कि हम छोटे से छोटे जो अनपढ़ है उसकी भी भाव को हम समझ सके,
जो किसी भी तरीके की मनोवृत्ति, चाहे रजोगुणी, तमोगुण, सत्वगुण, किसी भी गुण का हो, उसकी मैं चीजों को समझ जाऊं, वही संत है। और वही वो करते थे, उसी की भाषा में उसको समझा करके उसको सही दिशा में लाना उनका मेन था। अब उसपे भी बॉलीवुड को भी परेशानी हो गई पेट में, कह रहे तो आ गए और देखो उन्होंने फिल्म बनाई, हमने सुना कि वो सुपर हिट गया, तो ये कहीं ना कहीं आज उसकी स्वीकारिता देखा बॉलीवुड ने, कह रहे देखो ये तो एक बाबा ने पहली बार हमें लगता है भारतीय इतिहास में और भारतीय के पूरी दुनिया के इतिहास में किसी आध्यात्मिक महापुरुष ने पहली बार किसी ने फिल्म बनाई और सुपर हिट गया। तो उन्होंने एक सच पूछिए तो दिशा देने का काम किया कि जो प्रवचन हम कर रहे हैं, प्रवचन के मामले में तो बैठे बैठे 3 घंटे बोर हो जाते हैं, जम्हाई लेने लगते हैं, लेकिन फिल्म तो कम से कम देखेगा तो उसमें रोमांच आएगा। उनका मैंने एक दो वीडियो भी देखा जिसमें बड़ी इतनी अच्छे अच्छे उन्होंने हेल्दी स्वस्थ तरीके से चुटकुले, हंसी मजाक सब कुछ वो कर रहे हैं जो एक बहुत स्वस्थ मानसिकता का एक संत ही कर सकता। तो उस तरीके से उस लेवल पे जाके आप गरिमा में तरीके से गरिमा को बनाए भी रखना है, संतों का अपना गरिमा भी बनाए रखना है और बच्चों को हंसी मजाक करके उनको प्रभावित करके और मुख्य धारा पे जोड़ना है, अच्छे दिशा में देना है, तो ये बहुत बड़ा दायित्व है। सच पूछिए तो केंद्र सरकार और सभी सरकारों को तो सम्मानित करने की आवश्यकता ऐसे महापुरुषों को है, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है समाज का, कहीं ना कहीं लोगों का दुर्भाग्य है। तो जो अच्छा है उसको जब हम अच्छा नहीं कहेंगे तो समाज का, उसमें राष्ट्र का नुकसान होता है। तो इसलिए ये जरूरी है। अब जैसे भी हुआ, हम तो देखो व्यक्तिगत रूप से हमें उन संत से मतलब है, सवाल इस बात का है कि वो संत वो है और उन्होंने जिस प्रकार की जो त्याग किया, जो तपस्या किया, जो उन्होंने समाज के लिए किया, तो सब पे समाज पे ऋण है, राष्ट्र पे ऋण है, हर व्यक्ति का। स्वामी जी आप उन पहली शख्सियतों में से हैं जिन्होंने पूज्य गुरु जी के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर आवाज उठाने का काम किया। स्वामी जी सच्चाई पर बोलने वाले लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है और आप उन लोगों को, तमाम लोगों को क्या संदेश देंगे जो लोग आवाज उठा सकते हैं लेकिन चुप है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराज जी का मैं कुछ अभी जो वीडियो देखा, देखिए संत सब संत एक तत्व होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। जो व्यक्ति संत या गुरु को व्यक्ति के रूप में देखता है वो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, वो कहीं ना कहीं असफल है। जब वो तत्व के रूप में देखता है तो समझ जाता है, तो गुरु एक तत्व होता है। आप महाराज जी का जो मैंने वीडियो देखा उसमें कोई भी कभी भी हमेशा उन्होंने हर चीज की तरफ इशारा किया है, उन्होंने उन्होंने सीधे से इंगित जिस प्रकार से उन्होंने किया, हमेशा उन्होंने निडरता की वो दिया है कि आप हर व्यक्ति निडर रहे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। तो उन्होंने चाहे प्रवचन के माध्यम या फिल्म के माध्यम से उन्होंने जो संदेश दिया वो समाज के उपयोग के लिए, समाज उपयोगी था, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए दिया। उन्होंने कहा माता पिता की सेवा करो, उन्होंने कहा कि गुरुओं की सेवा करो, उन्होंने कहा गौ रक्षा करो, उन्होंने कहा जीव रक्षा करो, उन्होंने कहा प्राणी रक्षा करो, सबकी रक्षा। वेद भी क्या कहता है, मनुर्भव मनुष्य बनो। तो उन्होंने भी मनुष्यता की जो जो एक आधुनिक तरीके से चलने का काम किया वो बहुत ही अति सराहनीय। और आप ये देखो कि ये विचारधारा भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैलने वाला है, विश्व में फैलेगा, क्योंकि यही विचारा शास्त्र का विचार है, यही वेद का विचार है। वेद तो हमारा सीधा स्पष्ट मनुर्भव की वो करता है और वही मनुष्य बनाने की ये महाराज जी कर रहे हैं। तो आप महाराज जी ने बहुत काम किए हैं, जो संस्थाएं की हमारे पास करीबन 186 है, कितने लिस्ट है उसमें, जो हर क्षेत्र में किया है उन्होंने, तो काफी प्रेरणादायी उन्होंने काम किया है। तो इसलिए मैं सरकार से अब निवेदन, कल हमारी हरियाणा के गृह मंत्री जी से भी बात हुई है और फोन पे ही बात हमारी और तमाम लोगों से बात हो रही है, तो मैंने तो पत्र व्यक्तिगत नाम इनके लिए भी लिख के दिया, महाराज जी के लिए और संतों के लिए लिख दिया, पूरे देश में और भी संत जो बेचारे, कई बार ऐसे होता है कोई जमानत लेने वाला नहीं, हमको एक आसाम से फोन आया, फिर और उड़ीसा से, तो आज उनको कोई पूछने वाला, तो हमने सभी प्रदेशों में उठाया, लेकिन विशेष रूप से अगर जो महाराज जी हमारे संत गुरमीत राम रहीम जी आते हैं तो इससे सरकार को भी लाभ होगा, इससे समाज को भी लाभ होगा, इससे राष्ट्र को लाभ होगा, सबको लाभ होने वाला है। और ये समझ लीजिए कि उनका आना बहुत आवश्यक है, और कानूनी तौर पे भी और हम सामाजिक स्तर पे भी और हर स्तर पे उनका बाहर रहना बहुत ही जरूरी है, और ये राष्ट्र के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, उनके लिए बहुत। जी स्वामी जी, स्वामी जी देश में चूंकि आपने अभी कहा कि सरकारों को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, स्वामी जी जब देश में कोई ऐसा बड़ा मामला आया है जिसमें सरकारों की साख पर बात बनाई या समाज ने बहुत बड़े स्तर पर मुद्दा उठाया तो सरकारों ने आधी रात को अदालतों के दरवाजे तक खुलवा दिए,
न्याय के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का जो है गठन कर दिया, सरकारों को इस मामले में आप क्या राय देना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे देखिए, मैंने आज ही पेपर पढ़ा, एक साहबुद्दीन नाम का कोई वो है जो हत्यारा है, तो उस साहबुद्दीन का को बेल मिल गई। पर संत को क्यों नहीं भाई, संत को एक गुमनाम लेटर पे आप वो कर देते हो, सजा सुना देते हो और सुर्खियां बटोरते हो, और ठीक है जो भी हुआ, लेकिन कम से कम हमारा बेल तो अधिकार है, मौलिक अधिकार है इस समय, तो इसलिए इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए होगा, हमें लगता है कि दे रहा है भरोसा है, और लोगों को अपनी संवैधानिक जो अधिकार है उसके तहत अपनी आवाज को उठाना चाहिए, कभी भी देखो चुप नहीं रहना चाहिए। और महाराज जी भी हमेशा यही कहते रहे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। और हमें लगता है कि काफी तौर से भक्तों का तो ये परीक्षा का समय है कि वो संवैधानिक तरीके से अपनी काम तो कर ही रहे, सेवा कर रहे हैं, और क्योंकि परीक्षा गुरु हमेशा लेता है अपने भक्तों का, और समाज का भी कई बार लेता है सेवा करते करते वो भी, तो निश्चित रूप से स्वामी जी बाहर आएंगे, महाराज जी बाहर आएंगे, और उनके जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, जो ध्यान साधना के माध्यम से उनको याद कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं महाराज जी से सीधे से जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ने का वो माध्यम, क्योंकि जो गुरु के पथ प्रदर्शन पे चलना, पथ जो उन्होंने मार्ग बताया उस पे चलना ही अपने आप में गुरु तत्व से जुड़ना होता है। लेकिन हम चाहते हैं सशरीर रूप से वो बाहर आए, और इसके लिए हम अपनी तरीके से जो प्रयास हो रहा है और काफी जितना हो सके हम कर रहे हैं और करेंगे भी, और ये हमारा और अनकंडीशनल, ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से हमारी उसमें कई लोगों ऐसे, इसीलिए मैंने बहुत लोगों से किसी से मैंने बात नहीं की। देखिए आप भी पिछली बार भी समय मांगा था, आपने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ चैनल वाले में नहीं, मुझे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि महाराज बाहर आए, राजनीति करने के और भी कई विषय होते हैं, लेकिन इसमें महाराज बाहर निकले तो समाज का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा, और उनसे हमारी आत्मिक लगाव है, और आत्मिक लगाव है कि उन्होंने मानवता की कार्य किया है, इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि उनके लिए हम जैसे प्रयास हो सके हम करें, या कोई साधना करके प्रयास करता है, कोई सेवा करके प्रयास करता है, कोई इस तरह से प्रयास करता है राजनीतिक और उससे अपनी अप्रोच करके करता है, तो अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति को करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। और जो नकारात्मक लोग हैं वो तो हमेशा रहे, देखो भगवान राम की स्थिरता में भी नकारात्मक लोग रहे, तभी तो रावण आया, द्वापर में कृष्ण राम रहीम जी अपने आप में एक अध्यात्म के हीरो है और समाज के हीरो है, असली हीरो तो यही है जिन्होंने युवाओं को सही रास्ता दिखाने का काम किया, नशा छुड़ाने का काम किया, जो बच्चियों को, जो उपेक्षित बच्चियां थी जिनको सेक्स वर्कर कहते हैं, उनको घर बसावाया, शिष्यों को बताओ तो कितनी बड़ी काम किया उन्होंने, नशा उन्मूलन के काम किया, लोग गरीबों को घर बनवा करके देना, तो काफी उन्होंने फिल्म के माध्यम से बच्चों को, युवाओं में संस्कार देने का काम करना, बेटियों का सम्मान करने की प्रेरणा देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने पहले से चरितार्थ किया हुआ था, उन्होंने स्वच्छता अभियान के समर्थन में काफी काम किया, उन्होंने सेवा का काम किया, तो ये चीजें जो है आतंकवाद के खिलाफ काफी उन्होंने ठोस आवाज उठाई, बुलंद की। तो अभी एक हम भाई है डेरा सच्चा सौदा का, वो शायद आतंकवाद का भेंट चढ़ गया हुआ पंजाब में जिला है, उसके लिए मैंने भी ट्वीट किया, पता चला तो वहां की सरकार को, कहने का मेरा मतलब उनके द्वारा जो भक्त भी है वो भी उस मार्ग पे चल रहे हैं, तो मैं उनको बहुत ही हम अभिवादन करते हैं, हम उन सबको बहुत 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 हमारी हृदय में उनके प्रति अगाध प्रेम है, और मैं चाहता हूं कि वो अपने गुरु के बताए रास्ते पे चले और महाराज जी जल्दी बाहर आएंगे, जरूर आएंगे। जी 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 स्वामी जी, 1948 में जब डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई, बेबरवा साईं शाह मस्ताना जी ने स्थापना की इस आश्रम की, तब से लेकर अब तक डेरा सच्चा सौदा 134 मानवता भलाई के काम कर रहा है। 2017 यानी 25 अगस्त 2017 तक 134 के मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे थे जो अब तक जारी हैं, साथ संगत लगातार कर रही है। जब भी पूज्य गुरु जी को पैरोल या बेल की बात होती है तो मीडिया का एक धड़ा खड़ा होता है और कहता है कि ये जो है बाहर आएंगे तो समाज के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, समाज में अशांति फैलेगी। आपको क्या लगता है ये जो इतने मानवता भलाई के लोग जो काम कर रहे हैं, क्या ये समाज के लिए किसी तरीके का खतरा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, समाज केवल की रक्षक है, ये वो लोग नकारात्मक बातें, अबे यही बातें
मैंने जब कल हमने हमारा वो आया तो कई एक मीडिया ने ट्वीट किया कि मैंने संत राम रहीम जी के लिए वो किया है, तो उसपे मैंने देखा उसपे जो आए हुए थे तो उसमें करीबन ज्यादा लोग नहीं, मुट्ठी भर लोग होते, मैं बता रहा हूँ नाम, 15 लोगों ने पूरी निगेटिव कमेंट किया था और कई आपत्तिजनक शब्द किया था, जैसे लग ही नहीं रहा था कि भारत के लोग होंगे, क्योंकि जो भी भारत का होगा कम से कम संतों की गौरव गरिमा को तो समझेगा ही, और इतनी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके जिस तरीके से वो बात करते हैं संत राम रहीम, तो बड़ा मेरे को बहुत पीड़ा होती, तो बल्कि मैं इस पर कमेंट भी किया। अगर जो आप उन जो लोग कमेंट करते हैं ना, मैंने थोड़ा सा एक दो लोगों पे अध्ययन किया, मैंने एक अपने हमारी भी एक छोटी सी टीम है, मैंने कहा इनको खुद देखो कि आखिर है कौन, सिर्फ इनके बारे में पता करो। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे लोग उसमें थे जिनके घर में अपनी इज्जत नहीं है, कोई शराबी है शराब शाम को लेके पीने लगता है तो स्वाभाविक है जब वो पी लेगा तो गाली बकेगा वो ट्विटर पे और उस पर बकेगा ही, तो इस तरह के लोग हैं जिनके घर में इज्जत नहीं है वो उस तरह के लोग बकवास करते हैं, मर्यादा को भूल चुके हैं। भाई आपके वैचारिक मतभेद है अगर तो मान लीजिए हमको है, तो मैं आपसे जाऊंगा मिलूंगा कि अनिल जी आप अपने बारे में बताइए, या आपको है हमसे तो हमारे पास आएंगे, सभ्यता से आएगा, अगर बिल्कुल तो नहीं होगा तो मैं बोलूंगा। आप तो भाई जिन बूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पै, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, तुम नदी में डूब जाते तो होने तो भोगा कैसे पाओगे, मोती कैसे पाओगे, तुम बाहर ही जी रह जी के तुम देने से कैसे काम चले, तुम जाओ वहां देखो क्या वहां पे भक्त कितनी सेवा कर रहे हैं, कितनी समर्पण भाव, ऐसे कोई वो बावले तो है नहीं, वो पागल तो है नहीं, और अगर जो वो भी तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो भी ज्यादा तुमसे संस्कारी है, तो वो इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि इसी से ये भी जन्म हमारा सुधरेगा और अगले जन्म भी सुधरेगा और हमें गुरु की कृपा मिल रही है, तो उनको आनंद उस सेवा में आ रही है। लेकिन इन लोगों को शराब पीने में आनंद आती है, ड्रग्स लेने में आनंद आती है और गालियां देने में आनंद आती है, तो ये कुविचारी है। तो कुछ लोग कुविचार टाइप के लोग इस तरह नकारात्मक बातें करते हैं, वो करने से कुछ नहीं होता, वो तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, जबकि वो करना चाहिए। देखिए हमारे अध्यात्म में 3 चरण होते हैं, अवलोकन निरीक्षण स्वीकृति, पहले अवलोकन करो किसी चीज को, देखो अवलोकन निरीक्षण, फिर निरीक्षण करो इंस्पेक्शन करो, जाकर के इंस्पेक्शन करो जाके क्या है, और फिर स्वीकृति। ऐसे आप जी बेवजह आप गालियां देते हो, कौन सी वैज्ञानिक दुनिया में रहते हो भाई, अगर तुम तो कुछ जी जानते बिल्कुल ही, बिल्कुल आप पहले आप अवलोकन जाके देखो, आप तुमने टीवी पे जो देख लिया कि कौआ कान लेके गया, तो आप कान अपना नहीं देखोगे, कौआ के पीछे भागोगे कि हमारा कान लेके, तो वाली बात हो गई, तो ये तो बेकार की जी बातें जी हैं। तो आप जब शराब पियोगे ड्रग्स लेगो तो कौआ के पीछे तो भागोगे ही भागोगे, अगर जी जो जी अगर थोड़ी किसी आश्रम में संस्कार मिले होंगे तो कौआ के पीछे नहीं भागोगे, अपने कान देखोगे, नहीं कान तो है झूठ बोल रहा है। झूठ तो बोल सवाल रहे जी जी अनिल जी जो आप बोल रहे हैं, तो कोई भी बोलेगी तो उसको हम आंकेंगे ना कि भाई कहाँ तक सही है कहाँ वो है, तो इसलिए अब आपने सबसे पहले प्रश्न किया कि आप कितना जानते हैं, तो मैं ज्यादा लंबा तो जानता नहीं, मैं इधर ही से जानता हूँ, जब से मैं जानता हूँ मुझे उत्सुकता हूँ, पहले मैंने कई बार पॉजिटिव कमेंट करता था कि संत पे अन्याय हो, लेकिन अब इधर मैं ज्यादा जाना, इधर जितना जाना वापिस समझे कि हमने ये महसूस किया कि आप संस्था की जो स्थापना कितने साल हुई, कितने साल आप बता रहे थे संस्था की स्थापना, 50-60 साल, जी 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 1948 में स्थापना हुई जी, करीबन उन्नीस सौ जो आप अड़तालीस में स्थापना हुई, लेकिन 1948 इतने सालों में आप ये समझिए कि जो काम उन्होंने किया, हजारों साल के काम उन्होंने किए हैं, जो हजारों जी जी साल काम नहीं कोई कर पाएगा, कोई सरकारें नहीं कर पाएगी, उतना काम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम जी महाराज ने किया है, तो उस चीज को देखना होगा, हमें समझना होगा। हम अगर जो सोच ले छोड़ो मेरे को क्या जाता है, वो जेल जाए उनके भक्त जाए, भाई वो समाज के लिए है भाई, वो राष्ट्र के लिए, हम पीपल को पीपल की पूजा करते हैं क्यों करते हैं, हम चाहे तो निकल जाए, हम कहीं मंदिर जाते हैं तो प्रणाम करते क्यों करते, पीपल को इसलिए करते हैं, हमने हमको सनातन ज्ञान दिया गया कि वहां पे रक्षा भी बांधो उसकी पूजा करो, क्योंकि पीपल हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन हम देता है, मंत्र से तर्क वो है, करते जी हैं, जी भगवान जी का जी वहां स्थान ट्रैक है और आत्मा से पूरे समाज को रोशनी मिलती है, पूरे समाज को आशीर्वाद मिलता है। सवाल इस बात का कि जो महात्मा ने इतने लोगों के, करोड़ों लोगों के कल्याण किए, तो हमारा आपका दायित्व तो बनता है कि हम उसके लिए कम से कम सही तो आवाज उठाए, नहीं तो लानत है ऐसे जीवन पे, ऐसे जीवन भी कोई जीवन है, पशु की तरह मर जाओ खत्म हो जाए खेल, पशु भी नहीं कर सकते, क्योंकि पशु भी कोई पशु पे अन्याय होता है, वो एक्सीडेंट हो जाता है, मैंने देखा है अपने हाथ से, तो दूसरा कई पशु उसको घेर लेते हैं उसकी रक्षा के लिए, तो
ये तो मानवीय, ये तो निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति हम कह सकते हैं, क्योंकि आप बिना किसी को समझे और तुरंत बोल रहे हो, और वो भी उसके लिए बोल रहे हो जिन्होंने करोड़ों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। तो ये जी जी तो ठीक है। और हम जैसे व्यक्ति तो देखो किसी पे अन्याय हम नहीं दे सकते, क्योंकि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। जो जी व्यक्ति जी मूक दर्शक बिल्कुल बन के बैठ के देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी उसमें वो होते हैं, तो मौन स्वीकृति देने का काम करते हैं। तो कम से कम भाई जी मौन स्वीकृति ना करते। कानून का ही अगर जो सहारा लेना है तो कानून, तो कानून सम्मत काम करो ना। आप बेवजह क्यों चीरहरण कर रहे हो भाई, किसने अधिकार दिया है? अब कोई क्या, तो बिल्कुल गुफा में ये हो गया, गुफा में कमाल की बातें करते हो, वहां कोई गुफा है नहीं। दूसरी बात, अगर कोई साधना का स्थान है उसको गुफा बना दो, किसी को कुछ अगर कुछ बने तो उसको हिमालय पर्वत बता दो। ये तो बेतुकी बात है, ये तो मनमर्जी वाली बात है, कुछ भी तुम कर सकते हो। बेलगाम के घोड़े हो जाओ तो तुम या तो पागल हो गए, शराब पी करके बैठते हो, कुछ भी बोल दो जो चाहे संत के बारे में और आश्रम के बारे में। क्योंकि देखो एक संत अगर प्रभावित होता है अनिल जी, अगर कोई आश्रम या डेरा प्रभावित होता है तो समाज प्रभावित होता है, उस समाज का नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है। संत कोई व्यक्ति नहीं है, मैंने बताया संत एक तत्व है, और संत अपने जी आप संस्था है, संत अपने आप एक संस्था, एक राष्ट्र है। संत अपने आप में एक मानवता का प्रतीक है, संत अपने आप में एक अध्यात्म का प्रतीक है। तो उसको हम थोड़ा सा भी बेवजह कष्ट देते हैं ना, तो याद रखना तो कोई भी खुश नहीं रह सकता। तो इसलिए जी के लिए हमारा कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि हम अपनी आत्मा की आवाज से उसके साथ खड़े रहें, हम उसको वो करें, हम उसके न्याय की बातें करें। क्योंकि उन्होंने बाहर जब थे तो वो तो सबकी न्याय की बात करते थे, आज वो अंदर है तो हमारा कर्तव्य और धर्म बनता है। और हमने सभी संतों से अपील किया, हमारे साथ उस दिन जो मीटिंग में हस्ताक्षर कर गए, सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किया उस पे, और सबने कहा कि स्वामी जी आप कह रहे हैं बिल्कुल सही। उन संतों को पता ही नहीं था, जब मैंने जो स्टडी किया इधर, जो हमारे पास कुछ आया, कुछ लोगों से मैं बताया, तो मैं आपको अनिल जी बताना चाहता हूँ कि जब उनको संतों को बताया तो उनको भी आश्चर्य हुआ, अरे ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा आप देखो इनको, वो रक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इतना तो इन्होंने काम किया है, मानवता के कार्य किए हैं, बिना भेदभाव किए किए, और ऐसे व्यक्ति जी को हमने कहा कि अच्छा। कई लोग, एक पत्रकार ने कहा स्वामी जी आप क्यों आवाज उठाते हो? अरे मैं आवाज नहीं जी उठाऊंगा तो वेटिकन सिटी से पोप थोड़े उठाएगा भाई। जी अरे बिल्कुल बिल्कुल वो कर रहे हैं, भारत में रह के वो कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है, हमारे युवाओं को वो कर रहे हैं, और हमारे वो हम सब तो एक ही रास्ते हम लोग के हैं ना। तो जो भी अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी एक माध्यम है अपने चलने का, एक अपना अपना मंच है, लेकिन है तो जी हम जी सब की तरफ ले, हम भी समाज का हित चाहते हैं, महाराज श्री भी चाहते हैं समाज का हित हो, कल्याण हो, तो हम तो एक बिरादरी के हुए। तो इसमें तो संपूर्ण देश संतों को, विश्व के संतों को मिलकर के ऐसे मानवतावादी संतों का समर्थन करना चाहिए, ऐसे मानवतावादी संतों के आगे आना चाहिए, क्योंकि चुप बैठना नहीं चाहिए। कोई भी जो कार्य कर रहा है राष्ट्र के लिए और युवाओं के लिए, वो निश्चित रूप से बेटियों के लिए, बहनों के लिए, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने बताओ बेटी बहनों के लिए काम किया, उसको उसको तुम गंदे केसों में तुम फंसा दिए। जो जो बेटी अब बहनों की रक्षा की संकल्प दूसरे को, बच्चों को दिलवाता है, संस्कार दिलाता है, अब आप उनको बच्चियों को छेड़खानी में जेल में बंद करा दिए। जो एक मच्छर नहीं मार सकता उस पे हत्या के इल्जाम लगवा रहे, क्या मतलब बनता है? पंचकुला में, पंचकुला ही था ना, वहां पे कितने जी बेचारे सीधे साधे लोग मार दिए गए, गोलियों के शिकार हो गए। जनरल डायल कौन था वो? मैंने उसके लिए भी सरकार को लिखा भी वो करके कि जो भी पुलिस वाले उसमें दोषी उसको सजा दी जाए। ऐसा क्या हुआ भाई? कहीं होता है मर्डर तो बात देखो, दिल का ताड़ा बनता है, कुछ होता है। वहां हमारे कितने भाई मार दिए, वो कौन थे? वही थे जो वंदे मातरम बोला करते थे, वो जो देश का गुणगान करते थे, जो महाराज जी के इशारों पे वो खून देने का काम करते थे, जिन्होंने पुलिस से लेके सैनिकों को खून देने का काम किया, तुमने खून बहा दिया उनका, ये क्या मतलब बनता है? तो हम जैसे लोग तो जब जानेंगे, तो जब हमने सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ। ये तो बड़ा, कोई मीडिया दिखाने को तैयार नहीं, या कुछ दिखाना चाहिए, ये सब बताना चाहिए। सवाल इस बात का है कि हम तो आतंकी, दो आतंकी मार दिए, मैं दो एक आतंक, मैं तो ये कह रहा हूँ देखो जो कानून का वो है कि 99 अपराधी छूट जाए, एक बेकसूर को सजा न मिले, सजा नहीं होनी चाहिए, एक जी भी बिल्कुल बेकसूर, लेकिन यहाँ तो 99 बेकसूरों को सजा हो रही है। 99, ये बात गलत है कहीं ना कहीं। हमारा न्याय व्यवस्था बहुत अच्छा है लेकिन लोग गड़बड़ है। हमारे यहाँ राजनीति बहुत अच्छी है, सेवा का माध्यम है, लेकिन लोग गलत है, व्यवस्थाएं गड़बड़ नहीं है, उसको चलाने वाले गलत, कुछ लोग बैठ जाते हैं, लेकिन अभी भी अच्छे लोग हैं,
और अभी भी न्यायपालिका से लेके, और उसमें हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, सरकार का भी सम्मान करते हैं, और हम चाहते हैं कि तरीके से वो करके एक एक व्यक्ति को मैं नहीं दिया, एक भी देरा सच्चा सौदा के हम व्यक्तियों को नहीं देखा कि आक्रोश को डंडा चलाते हुए दिखाई दे। वो बेचारे झोला लेके बहने हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, अपने गुरु के मुंह में आ गए, आस्था में आ गए, वो आ गए तो आप उसको गोलियां चला दोगे। ज्यादा होता आप उनको पकड़ करके एक जगह बैठा दो, समझ में आता है अगर तुम्हें डर है तो, जबकि डरने की तो बात ही नहीं है। वो तो उससे डरा जाता है जो देश का दुश्मन हो। वो तो अपने देश की हमारी बहनें हैं, देश की माताएं हैं, देश के हमारे बुजुर्ग गांव के लोग हैं बेचारे, जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनको सिर्फ गुरु से मतलब है, भगवान से मतलब है, गुरु के आदेश से मतलब है, तुमने गोलियां चला दी ये क्या मतलब बनता है। तो ये कहने का मतलब कई चीजें पीड़ादायक है, ऐसा गोली चले तो हमें दर्द हो, हमें तो आपसे भी दर्द। यही तो काम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम जी को तो होता था ना, एक पत्ता भी टूटे तो दर्द मुझको है नतीम, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो संत गुरमीत राम रहीम जी का भी मैं ही देखता था, जो अभी मैंने देखा है वीडियो, कि उनको हर विषय पे वो भी वो करते थे, जैसे आपने कहा कि आप भी हर विषय पे करते हैं। तो अपने अपने स्तर पर हर संत को करना चाहिए। संत वही है जो जागरूक हो खुद भी और दूसरे को भी जागरूक करे। जी, स्वामी जी, दर्शकों को ये भी जरा बताइए कि जिस तरीके से आपने पहले दिन से मुहिम चलाई है कि जो पूज्य गुरु जी के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ जो है आप आवाज उठा रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए आप लगातार मांग कर रहे हैं, आपने इस बारे में क्या क्या किया है? जिस तरीके से आपने बताया कि पत्राचार हुआ है, वो कहाँ तक मुहिम पहुंची है और उसका नतीजा क्या निकला है? नहीं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने काफी सरकार के उम्मीद किया है, चूंकि ये सार्वजनिक मंच है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, इस पे कई ऐसी चीजें हैं जो हम बता नहीं सकते हैं, जो हमारे लिए कई लोगों से व्यक्तिगत बात हमारी हो रही है, सरकार से बात हो रही है, और चूंकि मैं इसीलिए मैं पहले यूट्यूब पे बना के मैं डाल देता कि लोगों को पता चले, बाद में मैं देखा कि उसका भी वो कई जगह इधर उधर जा रहा है और कई लोगों का वो हमारे शब्दों का हो सकता है कि उल्टा तरीके निकाल करके कोई नकारात्मक लोग है उसका प्रयोग करें, तो वो ठीक नहीं है। तो ये चीजें उतनी है जो चीजें बताई नहीं जा सकती, जो सरकार से मान लीजिए बात है, तो क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी भी लीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नीतिगत कुछ चीजें होती है। बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। आप पूज्य गुरमीत राम रहीम सिंह इंता जी एक बहुत अच्छे संत हैं और उनकी जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए, वो बाहर आए तो समाज का उसी में भला है, और निश्चित रूप से आएंगे, मेरा तो पूरा विश्वास है कि वो बाहर जल्द आएंगे और भक्तों के बीच में आएंगे, भक्तों को पहले की तरह पुनः पहले से ज्यादा ऊर्जा से भी प्रेरणा देंगे, और भक्त भी पहले से ज्यादा ऊर्जा के साथ, चूंकि अब भक्तों को भी रेस्ट मिल गया, अब गुरु जी तो रेस्ट कर ही रहे महाराज जी, एक तरह से हो सकता है रेस्ट करने के लिए कर दिया कि चलो तुम लोग भी रेस्ट कर लो, मैं भी करता हूँ, तुम लोगों ने बहुत ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, क्योंकि गुरु जब आश्रम में होते हैं तो काफी भक्त जो है ना छोटी छोटी चीजों लेकर के परेशान करते हैं, तो निश्चित रूप से ये भी भाव हो सकता है, कई एंगल से आप देख सकते हो उसको, जाकी रही भावना जैसी हरि मुहूर्त देखी थी तैसी, उस तरह से देखा जा सकता है। कई बार गुरु ये सोचता है कि चलो मैं इसी बहाने मैं भी अब विश्राम कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे हो, तो फिर अब नए ऊर्जा से एक नई मिलन से होगा। लेकिन उन्होंने जो काम किया है अनिल जी, मैं पुनः भी कह रहा हूँ, हजारों वर्षों के बराबर काम किया है इतने कम समय में, और अभी लाखों करोड़ों वर्षों के काम बाकी है, जो ये संत गुरमीत राम रहीम जी महाराज के माध्यम से करना है देश को, और निश्चित रूप से करेंगे, जल्दी आएंगे तो करेंगे, इसी में समाज का राष्ट्र का भला है, और सबके प्रयास से आप लोग की कामना सबकी, आप लोग सब लोग लगे हुए हैं, सभी भक्त लगे हुए हैं, हम सबको वो करते हैं और सबकी तपस्या उसकी वो है, हम लोग भी अपने तरीके से कर रहे हैं, हर व्यक्ति कर रहा है, और जो एक व्यक्ति को कोई नहीं वो तो खुद मैंने एक है ना कि मारने वाला है भगवान बचाने वाला है, तो सब परमात्मा करता है, हम लोग तो एक माध्यम है, अच्छा होगा होगा। जी जी स्वामी जी, आपने सचखंड के लिए अपना कीमती समय निकाला और आप लगातार इस मुहिम में जुटे हुए हैं, उसके लिए भी साधुवाद, और हमें समय देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सचखंड के जितने भी दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत हमारी मंगल कामना, और तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं, और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।